दोस्तों नमस्कार। गर्मियां हो चुकी है चालू और आज हमारे पास आया है सीलिंग फैन और इसमें प्रॉब्लम है, पंखा जैसे ही चलता है बहुत ही भयंकर तरीके से ये आवाज़ करता है। देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से ये पंखा आवाज़ कर रहा है। तो आज की वीडियो में इस पंखे को हम खोलेंगे और चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से ये पंखा इतनी आवाज़ कर रहा है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लाइक अभी से कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं हूं आपका दोस्त भारत जांगिड और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले दोस्तों देखिए फैन का ब्रांड, तो यहां पर ओरिएंट लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। तो मेड इन इंडिया ये फैन है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। अब देखिए आवाज़, तो पंखे में बहुत ही ज़्यादा आवाज़ है, हो सकता है सीट वगैरह भी कट रही हो, बैरिंग ज़्यादा डैमेज है इसके। तो सबसे पहले तो इसकी वाइंडिंग चेक कर लेते हैं, तो अर्थिंग वगैरह तो इसमें नहीं है और इसको एक बार चलाकर भी चेक कर लेते हैं। वैसे तो चालू हालत में है फैन, बाकी इसको स्क्रू ड्राइवर में लटकाकर चलाएंगे। ये देखिए सीरीज के अंदर ही फैन चल रहा है, कंटिन्यू बढ़िया चल रहा है, बाकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा कर रहा है, झटके वगैरह तो नहीं मार रहा है। तो सीट तो इसकी लगभग ठीक होंगी, बाकी इस कंडीशन में दोस्तों बैरिंग तो इसके कन्फर्म हो चुका है कि ख़राब ही है, इतनी आवाज़ ग्रीसिंग करने से नहीं जा पाएगी। तो इसके कनेक्शन खोलने से पहले आपको अच्छे से देख लेने हैं कॉमन कौन सा है और कौन कौन से वायर के ऊपर कैपेसिटर लगा हुआ है, वरना आपको इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी बाद में। तो मुझे मालूम था तो मैंने इसको ज़्यादा डिटेल से नहीं देखा है। वाइट वायर हमेशा ओरिएंट के अंदर कॉमन होता है। अब खोल देंगे इसका नीचे का कवर, तो इसको तो घर पर भी खोल कर रख सकते हैं। ये देखिए यहाँ से रिंग तो इसकी निकल गई है टूटकर, पीवीसी वाली रिंग होती है जो डिजाइनदार इसकी। बाकी इसको यहाँ से दोस्तों तीन स्क्रू होते हैं साइड में, उनको खोल कर आप इसको घर पर भी रख सकते हैं यदि आप फैन को रिपेयर के लिए लेकर जाते हैं। तो इससे क्या है कि इसके नीचे जो फिनिशिंग और कलर वगैरह स्क्रैच वगैरह नहीं होगा। तो चलिए इसको तो हमने खोल दिया है, बाकी इसमें डस्ट वगैरह, और ये देखिए डस्टिंग काफ़ी ज़्यादा है, बैरिंग का जंग टाइप इसमें निकला हुआ है, तो बैरिंग ज़्यादा ही डैमेज है इसका। तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ये डस्ट वगैरह काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है सीट में, तो यहाँ से ये साफ निकलने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। ठोकना पीटना नहीं पड़े ताकि इसको साफ़ कर लिया हमने, यहाँ से इसको ब्रूस से भी साफ़ कर देंगे। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, मशीन वाला या फिर स्टार्टर वाला जो भी ऑयल हो आपके पास, उससे ये सॉफ्ट हो जाएगा, आराम से निकल जाएगा बाद में। तो अब यहाँ पर इसके स्क्रू खोल लेते हैं तीनों। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं। तो अब यहाँ पर जो लीड है इनको ऊपर की तरफ निकालना पड़ेगा, ये काफ़ी बेकार होता है, इसमें कट नहीं होता ओरिएंट के फैन में। तो इनको निकाल दिया है ऊपर और फैन को इस तरह से रख लेंगे दोनों तरफ से। ये देखिए चौरसी लगाएंगे मोटर कटिंग वाली हमारी छैनी, और इसको रिंग के नीचे लगाकर ऊपर की तरफ दबाएंगे। तो ये देखिए रिंग सहित जो नीचे का कवर है निकल जाएगा, कवर डैमेज होने का खतरा बिल्कुल नहीं रहेगा इस तरीके से। तो रिंग को रखते हैं साइड में। अब देखिए बैरिंग की हालत, तो बैरिंग की जाली पूरी टूटी हुई है, देख पा रहे हैं बैरिंग के अंदर से काफ़ी ज़्यादा जंग बाहर निकल चुका है, पूरा बैरिंग सूखा हुआ है। स्प्रिंग को रख देंगे निकाल कर और सीट को चेक कर लेंगे। सीट तो इसकी बच गई है, सिर्फ हल्का सा ही स्लिप हुई है, ठीक है अभी तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालेंगे ऊपर वाला कवर, तो अब तो ये आराम से निकल जाएगा, काफ़ी लूज हो गया है। ये देखिए ऑयल डालने से बैरिंग इसका ठीक है, बाकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा कर रहा है, तो ये बैरिंग भी हमें चेंज ही करना पड़ेगा, दोनों बैरिंग इसके चेंज करेंगे। शाफ्ट की ऊपर वाली सीट को साफ कर लेते हैं और इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल फ्रेश है, ये बिल्कुल भी कटी हुई नहीं है। स्टेटर को रखते हैं नीचे। अब निकालेंगे बैरिंग, तो कवर में से बैरिंग निकालने के लिए इसमें कोई पुलर की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए शाफ्ट लगाकर इस तरह से, बाकी इस तरह से नहीं ठोकना है आपको, ध्यान रखना है इसमें भी आपको सेफ्टी रखनी है। तो आपको लेना है यहाँ पर देखिए तकरीबन 2 इंच के पाइप का टुकड़ा, इस तरह से इसके नीचे लगाकर और ऊपर से शाफ्ट से ठोकना है, काफ़ी आसानी से, कितना भी टाइट बैरिंग हो आराम से निकल जाएगा, कवर बिल्कुल डैमेज नहीं होगा। ये देखिए बैरिंग जो 62-02 नंबर का बैरिंग है निकल गया। अब देखिए नीचे वाला कवर, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा डैमेज होता है, तो इसमें तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से बैरिंग निकालना है हमेशा। तो ये देखिए काफ़ी आसानी से बैरिंग निकल गए हैं दोनों, तो चलिए ये बैरिंग हम दोनों रिप्लेस करेंगे। ये कवर रख देते हैं इधर, ये आ गए हमारे बैरिंग, तो TKP के दोनों बैरिंग हम डालने वाले हैं। तो ये देखिए बैरिंग का साइज 62-01 नंबर 2RS, 62-02 नंबर 2RS। अब खोल लेते हैं दोनों बैरिंग की पैकिंग, तो फटाफट से खोल लेते हैं दोनों बैरिंग की पैकिंग। तो ये बैरिंग आ चुके हैं बाहर, अब ये जो जेड है बैरिंग का इनको निकाल देंगे। तो दोनों बैरिंग का जेड हमने यहाँ पर ये निकाल दिया है, क्यों निकाला है अब देखिए। ये देखिए यहाँ पर टिमकेन फ्लट अल्ट्रा ग्रीस 1.5 लाख किलोमीटर, तो बॉक्स ओपन करेंगे, काफ़ी कमाल का ग्रीन कलर का ग्रीस है देख पा रहे हैं, और इसको लगाएंगे दोस्तों, हल्का हल्का ही लगाएंगे, ज़्यादा प्रेस करके नहीं लगाएंगे, सिर्फ एक साइड ही लगाएंगे और जेड को बंद कर देंगे। तो ये देखिए
दोनों बैरिंग के अंदर इस तरीके से लगाना है, दोनों तरफ नहीं लगाना है, सिर्फ एक एक साइड में लगाना है। ये बिल्कुल जो बैरिंग है बैरिंग की लाइफ को बढ़ा देगा 5 गुना। तो बैरिंग आपके कोई से भी हो आपको ग्रीस का यूज करना है और वो भी अच्छी क्वालिटी का। तो दोनों बैरिंग हमने कवर के अंदर यहाँ पर लगा कर सेट कर दिए हैं, तो अब करेंगे फिटिंग। तो सबसे पहले तो ऊपर वाला ही कवर लगाना है आपको। तो ये देखिए, ये ठोकने पीटने की कोई ज़रूरत नहीं है, काफ़ी स्मूथ जो सीट आती है ओरिएंट की, इसमें ठोकना भी बिल्कुल नहीं है और ना ही आपको सीट को टाइट करना है। रिंग को लगाएंगे और घुमाकर चेक कर लेंगे, बिल्कुल भी टचिंग नहीं है। अब लगाएंगे नीचे वाला कवर। तो कवर को लगाएंगे नहीं, उससे पहले एक बार चेक कर लेंगे क्योंकि सीट थोड़ी सी स्लिप थी, बाकी नए बैरिंग में बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्प्रिंग लगा देंगे। यदि किसी फैन में स्प्रिंग नहीं है तो आपको लगाना काफ़ी ज़रूरी है स्प्रिंग को। तो कवर लगा देंगे नीचे वाला, आराम से लग जाएगा, ठोकने पीटने की कोई ज़रूरत नहीं है। फैन को सीधा रख लेंगे और इसके तीनों जो स्क्रू हैं उनको लगा देंगे। तो स्क्रू लगाने में भी आपको एक सावधानी हमेशा रखनी पड़ेगी। तीनों स्क्रू लगाने के बाद में बराबर बराबर से तीनों को टाइट करना है, कभी भी एक स्क्रू को पूरा टाइट नहीं करना है, वरना फैन आपका फ्री नहीं होगा और आवाज़ करेगा, साइड लेगा। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है, फैन बहुत ही स्मूथ तरीके से घूम रहा है। तो अब रखते हैं फैन को और कनेक्शन को वापस नीचे की तरफ निकाल देंगे। ये देखिए काफ़ी आराम से निकल गए वैसे। अब लगाएंगे कंडेंसर और कनेक्टर। तो कनेक्टर को मैंने देखिए उल्टा लगाया है, पहले तो पता नहीं था कैसे लग रहा था, बाकी देख पा रहे हैं ये हिस्सा मैंने ऊपर कर दिया है, ये नीचे होता है, बाकी मैंने इसको ऊपर किया है ताकि टचिंग का इसमें खतरा नहीं रहे नीचे की तरफ। तो अब यहाँ पर कनेक्शन करेंगे। तो रेड वायर के साथ हमने एक कैपेसिटर का ग्रीन वायर लगाया है, दूसरा कैपेसिटर का ग्रीन वायर ब्लू के साथ लगा दिया है, और वाइट को आगे से बैंड कर दिया है डबल, ताकि अच्छे से कस जाएगा। वाइट कॉमन है, सिंगल रहेगा, तो इसको ऊपर या नीचे कहीं पर भी लगा सकते हैं। नीचे लगा देंगे, रेड जो कैपेसिटर के साथ है उसको बीच में लगा देंगे, ब्लू जो हमारा कैपेसिटर के साथ है उसको ऊपर लगा दिया है। तीनों स्क्रू टाइट कर लेंगे अच्छे से ताकि ये लूज नहीं हो, कनेक्शन निकलेंगे नहीं, और ये वाले स्क्रू भी टाइट कर देंगे ताकि रास्ते में इधर उधर कहीं गिरेंगे नहीं। अब यहाँ पर घुमाकर चेक कर लेंगे, बिल्कुल स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर सीरीज से चेक करेंगे अर्थिंग वगैरह। तो सप्लाई हमारी यहाँ पर आ रही है और अर्थिंग चेक करेंगे, फ़ैन का सॉल्टिंग वगैरह बिल्कुल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर चलाएंगे फ़ैन को, हैंग कर लिया है स्क्रू ड्राइवर में। ये देखिए सीरीज के अंदर ही फ़ैन हमारा बिल्कुल अच्छे से चल रहा है, बहुत ही स्मूथ रन कर रहा है, साउंड वगैरह बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नए की तरह फ़ैन चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, फ़ैन के अंदर इसमें हथौड़े की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी है ठोकने पीटने की, बाकी अच्छे से बिल्कुल सेट हो गया है। अब लगा देंगे पंखे का नीचे वाला ये कवर, तो इसको साफ़ कर लेंगे, इसमें डस्ट वगैरह है। अब इसको लगा देते हैं, इसके भी छोटे छोटे तीन स्क्रू हैं तो तीनों को टाइट कर देते हैं। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है, फ़ैन के अंदर आप बैरिंग कोई से भी डालें, कोई से भी बदलें, बाकी जो ग्रीस है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। फ़ैन कम्प्लीट हो चुका है, इसको रखते हैं। ये जो दोनों बैरिंग है हमने रिप्लेस कर दिए हैं TKP के। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपने देखा जो सीलिंग फैन था इसके दोनों बैरिंग खराब थे, दोनों बैरिंग हमने रिप्लेस कर दिए हैं, सीट वगैरह इसकी बिल्कुल ठीक थी और दोनों बैरिंग के अंदर हमने ग्रीस का अप्लाई कर दिया है टिमकेन वाला। तो इसके जो बैरिंग है कम से कम 5 साल तक के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेंगे। दी गई जानकारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।